जय हिंद दोस्तों, मेरे दान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपना सुल्तानपुर चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 38वीं लोकसभा सीट सुल्तानपुर की। आज़ादी के बाद से 1952 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर की जनता ने कौन कौन से राजनीतिक दलों के सांसदों को चुनकर संसद में बैठाया और किस बड़े राजनीतिक दल का सुल्तानपुर की जनता ने लोकसभा चुनाव में आज तक खाता तक नहीं खुलने दिया। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे सुल्तानपुर की वर्तमान सांसद मेनका गांधी का राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ और साथ ही बात करेंगे कि लगातार 5 बार कांग्रेसी सांसद चुनने के बाद सुल्तानपुर की जनता ने 6वीं बार गैर कांग्रेसी सांसद जुल्फिकार उल्ला को क्यों चुना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं 1952 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर सीट पर किस पार्टी का दबदबा रहा। 1952 बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर कांग्रेस, 1957 गोविंद मालवी कांग्रेस, 1962 कुंवर कृष्ण वर्मा कांग्रेस, 1967 गणपत सहाय कांग्रेस, 1971 केदारनाथ कांग्रेस। अब बात करते हैं 1977 लोकसभा चुनाव की, जहां पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला। आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 77 के बीच लगाई गई आपातकाल के विरोध में भारतीय राजनीतिक दलों को एक समूह के रूप में स्थापित किया गया था। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया और जनता नेता मोरारजी देसाई स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसी सन 1977 में जुल्फिकार उल्ला, जो कि जनता पार्टी से थे, जिसको सुल्तानपुर की जनता ने चुनकर लोकसभा भेजा। 1980 गिरिराज सिंह कांग्रेस, 1984 राजकरण सिंह कांग्रेस। इसी साल सुल्तानपुर की वर्तमान सांसद मेनका गांधी ने अपना पहला चुनाव राजीव गांधी के खिलाफ निर्दलीय अमेठी लोकसभा सीट से लड़ा। 1989 राम सिंह जनता दल, 1991 विश्वनाथ दास शास्त्री भाजपा, 1996 देवेंद्र बहादुर राय भाजपा, 1998 देवेंद्र बहादुर राय भाजपा, 1999 जयभद्र सिंह बसपा, 2004 ताहिर खान बसपा, 2009 संजय सिंह कांग्रेस, 2014 वरुण गांधी भाजपा, 2019 मेनका गांधी भाजपा। इससे आपको पता चल गया होगा कि 1991 में पहली बार सुल्तानपुर में कमल खिला, वहीं अगर मैं बात करूं तो साइकिल सुल्तानपुर में आज तक नहीं दौड़ी। आपको बता दें सुल्तानपुर की जनता ने सुल्तानपुर से सपा से कोई भी सांसद चुनकर लोकसभा नहीं भेजा। आपको क्या लगता है 2024 में सपा का सूखा खत्म होगा या कमल फिर से खिलेगा? वैसे आप किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।